Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, what we will start today? Today, we are going to continue with our new chapter that is Biological Classification. क्लास इलेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड है ना जिसमें कि एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अबाउट लिविंग बींग्स के बारे में और हम कैसे लिविंग बींग्स को डिफाइन करते हैं उसके बाद हमने किया टेक्सट्रॉनोमी जो पूरी हमारी बायो का बेसिस बनती है कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं ठीक है तो उसी कंटिन्यूटी में अब जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट इज लिंक्ड विद द क्लासीफिकेशन एंड दैट क्लासीफिकेशन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है हम इस चैप्टर को कैसे कंटिन्यू करेंगे कैसे हमें इस चैप्टर को पढ़ना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा जो हरियर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो हरियर है वो कैसे चलेगी दैट विल बी कि हमने सब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया कितनी सेवन कैटेगरीज में राइट right? कौन कौन सी थी वो सबसे हायर वाली कैटेगरी थी दैट इज किंगडम किंगडम के बाद हमने देखा फाइलम देन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज ठीक है बट अगर हम स्टार्ट करें स्पीशीज से सबसे लोएस्ट कैटेगरी से स्टार्ट करें तो स्पीशीज से होते हुए जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ जाएंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वो क्या होती जाएंगी वो डिक्रीज होती जाएंगी ठीक है बट किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी राइट चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है ठीक है देखो वैसे तो ये चैप्टर जो है कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन के बारे में है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब ये जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट हुआ ये है ना स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं कि हमने बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही हमने सब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना सीख लिया होगा चीज़ें धीरे 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 बढ़ती हैं ठीक है थीके? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो बेसिक क्लासीफिकेशन है वो किस तरह से किया गया राइट ओके उसके बाद हम किंगडम मोनीरा को पढ़ेंगे प्रोटिस्टा फंजॉय प्लांटी एनिमेलिया प्लांटी और एनिमेलिया का इस चैप्टर के अंदर हम जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्यों क्योंकि हमें क्या करना है डिटेल्स कहाँ पढ़ेंगे हम अलग से एक चैप्टर है दैट इज किंगडम प्लांटी का और एनिमेलिया का ठीक है बट इस चैप्टर में हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे हम विरायड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लाइकन्स के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है पिछले कुछ सालों का हमारा एक्सपीरियंस है ना ही इलेवेंथ ना बोर्ड ना ही ट्वेल्थ बोर्ड में एग्जाम्स जो है दैट इज फ्रॉम एन और इवन नीट के अंदर भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है अभी तक हमने जो पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है दैट इज आउट ऑफ तो क्या मैम हमें इस चैप्टर में पूरा सिर्फ एनसीआर को ही पढ़ना है यस yes, बिल्कुल हमें NCRT पर ही फोकस करना है कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे एनसीआर से बाहर के हो जाते हैं ठीक है तो वो हम कुछ पोर्शन हो सकता है एनसीआरटी से बाहर भी ले लें सिर्फ किस लिए ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो हम और अच्छा कर सकें ठीक है बट टेंशन नहीं लेना है एनसीआरटी इज मोर मोर देन सफिशेंट क्यों क्योंकि एनसीआरटी को ना बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से प्लान किया गया वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के साथ कौन से चैप्टर में बच्चों को कितना पढ़ना है एवरी थिंग इज मैंशन इन एन कभी कभी एक या दो क्वेश्चन जो है हमारे वो एन से बाहर आ जाते हैं उनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे ठीक है तो एन को हम फॉलो करेंगे एन को हम बेस मानेंगे जहाँ भी हमें जरूरत लगेगी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ठीक है अगर इस चैप्टर की बात करूं फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू दो या तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ ही जाते हैं ठीक है चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक तरह से स्कैटर्ड है एन सी आर टी के अंदर जैसे कि सेल के अंदर जब हम प्रो के रोड्स पढ़ेंगे तो हम एक तरह से मोनीरा किंगडम को भी पढ़ रहे होंगे ठीक है तो उसी के साथ ही हम बहुत सारे जो फंक्शन है सेल के हम उनको भी डिस्कस करेंगे बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और आज हम क्या करने वाले हैं आज हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम क्या कर देंगे किंगडम मोनीरा, ठीक है तो कुछ पार्ट्स में चलेगा हमारा ये चैप्टर ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए स्टार्ट करते हैं चलो देखो सबसे पहले देखो अभी एनसीईआरटी लाइंस हम इनको नहीं पढ़ेंगे अभी सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में जब एक कोशिश की गई कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें एक बिल्कुल आम आदमी की तरह सोचते हैं मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं ठीक है आपके घर की छत पे बैठे हैं रोड पे बैठे हैं जैसे वर्ड कहीं भी आप बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं जैसे कि अगर मैं देखूं मुझे बाहर से देखने में कुछ ऑर्गेनिज़्म चलते फिरते नज़र आते हैं ठीक है कुछ जैसे कि प्लांट्स हो गए वो मुझे पता है कि लिविंग है आज की डेट में मुझे पता है कि लिविंग है बट वो मुझे एक जगह पर खड़े हुए नजर आते हैं खड़े हुए मतलब दे आर के अंदर फिक्स है ठीक है तो स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है वो फीचर्स जो हमें बाहर से नजर आते हैं ठीक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया वो किसने किया था एरिस्टोटल ने सर एरिस्टोटल ने क्या किया ऑर्गेनिजम्स को एक जनरल से ही क्लासिफिकेशन दे दी कि जो मूव कर रहे हैं वो क्या है एनिमल्स हैं और जो मूव नहीं कर रहे हैं वो क्या है प्लांट्स हैं तो अरिस्टोटल जी ने क्या किया व्हाट अरिस्टोटल डिड अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया किसके अंदर जस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स में ठीक है तो जो पहले की जो क्लासिफिकेशन थी जस्ट हम एक लेमैन ने जो कर दी दैट वाज नॉन साइंटिफिक है ना बट एक तरह से अगर आप देखें तो हमारा एक तरह से माइंड को डायरेक्शन दे दी कि हम इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है तो एरिस्टोटल वो द अर्लीस्ट जिन्होंने सिर्फ एक कोशिश की जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि किस तरह से हम साइंटिफिक बेसिस दे दें क्लासिफिकेशन का ठीक है भले ही भले ही उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज किया क्या किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया ठीक है तो क्या किया उन्होंने उन्होंने बोला कि जो आपके मूव नहीं कर पा रहे हैं उनको हम बोल देते दे, प्लांट्स और जो शो कर रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं एनिमल्स ठीक है Animals, आगे इन्होंने क्या बोला ठीक है प्लांट्स और एनिमल है मान लेते हैं अब यह बोला गया कुछ प्लांट्स जो है, बहुत कम के हैं। है ना जैसे कि वीट कुछ प्लांट्स मीडियम हाइट के हैं जैसे कि श्रब्स कुछ प्लांट बहुत ही थिक स्टेम वाले हैं बड़े बड़े हाइट के हैं उनको उन्होंने बोल दिया कि इनको बोल दो ट्रीज ठीक है चलो हो गया मान लिया हमने तो क्या किया ट्रीज श्रब्स और हर्ब्स के अंदर इनको डिवाइड कर दिया राइट एनिमल्स की जब बात आई कहते एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करें तो तब उस टाइम में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया बाहर से ही कि अगर हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो कुछ रेड कलर का फ्लूड सा निकलता है ठीक है अब क्योंकि एनसीआर हमें बोल रही है कि दैट इज टॉकिंग अबाउट ब्लड तो हम भी उसको तो उन्होंने क्या किया कुछ ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड किया एनिमल्स को टू ग्रुप्स में जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था तो उन्होंने नाम क्या दिया एनाइमा और इनाइमा ठीक है तो ऐसे जो कुछ ऑर्गेनिज्म देवर विदाउट रेड ब्लड विदाउट RBCs बोल दो ठीक है आज हमें पता है कि रेड ब्लड का मतलब क्या है RBCs की बात हो रही है और कुछ के पास नहीं थे दैट इज uh, कुछ के पास थे दैट इज विद RBCs in their blood is present. ये था एक बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन किस पे बेस था ये याद रखेंगे एरिस्टोटल जस्ट ट्राइड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इन टू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कितने पार्ट में डिवाइड किया सब ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स एंड प्लांट्स में और प्लांट्स के अंदर भी फर्दर तीन कैटेगरी दैट इज ट्रीज हर्ब्स एंड श्रब्स और एनिमल्स विद ब्लड और विदाउट ब्लड ठीक है ये था एक बहुत ही सिंपल सा क्लासीफिकेशन आगे आते हैं अब देखो धीरे धीरे जब काम शुरू हुआ सबकी सोच खुलनी शुरू हो जाती है अच्छा ऐसे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया और सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिस्टम आता है दैट इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखो यहाँ सिर्फ टू किंगडम लिखा है बट हम यहाँ पे बात थ्री किंगडम की भी करेंगे ठीक है हम यहाँ पे फोर किंगडम की बात भी करेंगे ठीक है? चलो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखो किसने दिया? Karl Linius. Karl Linius ने, simple आप बोल सकते हैं जी के classification को हम क्या बोलेंगे? टू किंगडम सिस्टम का मतलब सिर्फ दो कैटेगरी वही जो अरिस्टोटल ने बताया कौन कौन सी प्लांटी एंड एनिमिलिया प्लांटी एंड एनीमिलिया तो क्या किया तो क्या किया देखो ये जो कैटेगरी ये जो कैटेगराइजेशन था ये किस बेसिस पे था एक सेकेंड ओके okay, ये जो कैटेगराइजेशन था ना दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल्स के अंदर क्या थी सेल वॉल एब्सेंट सेल वॉल एब्सेंट तो ये था बेटा एक बहुत ही सिंपल से क्लासिफिकेशन कि अगर सेल वॉल है तो उनको बोल दो प्लांट्स और अगर नहीं है तो उनको बोल दो क्या एनिमल्स तो वॉज इट सफिशियंट वॉज इट सफिशियंट अगर हम टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है देखो क्या हुआ इसके अंदर क्राइटेरिया क्या सेल वॉल सेल वॉल या तो प्रेजेंट है या क्या है एब्सेंट है प्रेजेंट है तो प्लांट्स एब्सेंट है तो एनिमल्स ओके okay. फिर उन्होंने बोला लोकोमोशन के की बात भी कर लो जो मूव कर सकते हैं वो क्या है एनिमल्स लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट से नहीं है अगर मैं इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेस मेरे हाथ हिल रहे हैं और मैं पूरा मतलब यहीं खड़े खड़े बात कर रही हूँ दैट इज मूवमेंट बट अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे आ रही हूँ इधर से इधर जा रही हूँ दैट इज लोको मोशन ठीक है तो अगर लोको मोशन प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे एनिमल्स है और अगर लोको मोशन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे इसको हम बोल देंगे लोको मोशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो वॉट वी विल से हम बोलेंगे दीज आर एनिमल्स ठीक है चलो आ गया और उन्होंने क्या किया रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लो किसकी बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की रिफ्लेक्स एक्शन की हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन प्रेजेंट हो अब क्योंकि हमारे अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है तो उनको हमने बोल दिया जिनमें फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन है उनको क्या बोल देंगे हम दैट इज एनिमल्स और जिनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन कम है उनको हम बोल देंगे दैट इज दे आर कैटेगराइज इन टू द प्लांट्स ओके और क्या क्या देखेंगे हम वेट और क्या क्या देखेंगे तो अगर हम इसकी बात करें सेल वॉल की और इसकी हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास दो ही कैटेगरी आती है सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो हम बोल रहे हैं इसको प्लांट्स वाली कैटेगरी में ठीक है ओके लोकोमोशन एबसेंट है लोकोमोशन एबसेंट है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्लो है मतलब इस तरह के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो बाहर से समझ आ रहे थे देखने में और एनिमल्स कौन से थे एनिमल्स थे जिनके अंदर सेल वॉल एबसेंट है ठीक है? है और यहाँ पे क्या है लोकोमोशन क्या है प्रेजेंट है और फास्ट रिफ्लेक्स सेक्शन है तो व्हाट अबाउट बैक्टीरिया व्हाट अबाउट बैक्टीरिया व्हाट अबाउट फंजाई ठीक है फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है भले वो काइटिन की बनी है और बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है चाहे वो सेलुलोज की नहीं है बट फिर भी सेल वॉल तो है तो यहां ये जो क्लासिफिकेशन था बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर पाया उन्होंने तो बोला सबको प्लांट्स के अंदर रख दो जिनके पास सेल वॉल है पर हमें पता है बैक्टीरिया और फंजाई जो है दे आर हैविंग सेल वॉल इनके पास क्या होती है सेल वॉल होती है राइट right? दूसरा क्राइटेरिया देखो जहां इनका ये फेल हो गया सिस्टम ठीक है बैक्टीरिया क्या है प्रोक्रियाट्स बैक्टीरिया क्या है प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सबको एक साथ रख दिया इन्होंने फंजाई क्या है फंजाई क्या है फंजाई इज ऑल्सो यूकैरियोट तो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया तो भाई हमें तो ये बात नहीं जम रही ठीक है और इन्होंने क्या बोला यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सब ऑर्गेनिजम्स कहाँ आ गए सब ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया अगर हम प्लांटी की बात करें ठीक है और क्या किया इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कंसीडर नहीं किया हमें पता है प्लांट्स जो है मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ठीक है तो यहीं पे लिखते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें हेट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स हमें पता है फंजाई क्या है हेट्रोट्रॉफिक हैट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप वर प्लेस टूगैदर ठीक है तो ये कुछ पॉइंट थे कौन कौन से मैंने बोला एक साथ रख यूनिसेल मल्टी सेलोर के एक साथ रख दिया और ऑटोट्रॉफ्स का एक साथ रख दिया बैक्टीरिया और, और फंजाई के पास सेल वॉल है बट कहीं से भी वो प्लांट के साथ मैच नहीं करते हैं तो हम इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दे पाए ठीक है फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर हमारे पास आता है एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज दैट इज थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है अच्छा एक बार अब यहां पे और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया जब कोई ऐसी डिमार्केशन नहीं किया इन्होंने बोला प्लांट जिनके पास सेल वॉल है एनिमल जिनके पास सेल वॉल नहीं है और यहां पे एक बहुत बड़ा सा इनका जो पॉइंट है जिसको हम बहुत ही हाईलाइट करेंगे दैट इज युगलीना के बारे में युगलिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं है सेल वॉल एबसेंट है सेल वॉल एब्सेंट है बट इट शोज फोटोसिंथेसिस बट इट इज फोटोसिंथेटिक इट इज फोटोसिंथेटिक ठीक है तो सेल वॉल एबसेंट है इसका मतलब ये किसके अंदर गया ये क्या है एनिमल वाली कैटेगरी में बट But... क्योंकि ग्रीन प्लांट सॉरी ग्रीन प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसके पास भी क्या है फोटोसिंथेटिक है तो हम बोल रहे हैं फोटो प्लांट है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासिफाई करें ठीक है तो अब इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है अब थ्री किंगडम में क्या किया ठीक है प्लांटे ले लो एनिमेलिया ले लो तो ऐसा करो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बना दो जिनके लिए एक अलग ही कैटेगरी दे दी दैट इज प्रोटिस्टा ठीक है तो प्रोटिस्टा के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म ऐड किए प्रोटिस्टा के अंदर ऐड किए गए यूनिसैलुलर हमने बोला कि इन्होंने यूनिसलोर मल्टी सेलोलर को एक साथ रख दिया और एनिमेलिया में तो कहते हैं कि ठीक है एक क्लास और बना देते हैं किसके लिए यूनिसलुलर यूकैरियोट्स के लिए यूनिसैलुलर यूकैरियोट्स के लिए ठीक है तो एक अलग ही किंगडम बना दी प्रोटिस्टा बात फिर वही की वही ध्यान से देखो हमने क्या डिस्कस किया हमने ये डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया ठीक है इसके अंदर तो उन्होंने ठीक है यूकैरियोट्स को अलग कर दिया उन्होंने यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया बट व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है तो इसका मतलब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भले ही प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया बट हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई मल्टी सेलर ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ जाएंगे ठीक है तो इनको भी एक्सेप्टेंस मिली बट अभी भी कुछ कमियाँ थी इस सिस्टम में ठीक है ओके okay. फिर आते हैं जी कॉपलैंड की तरफ से दिया गया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम किसने दिया था बेटा अर्नेस्ट हैकल ने अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया ठीक है अब इसके भी कोई डी मैरिट्स थे कि फंजाई कहाँ गई हेट्रोड्रॉफ्स कहाँ गए आपके मल्टी सेलुलर प्रो या प्रोकर ऑर्गेनिज्म उनको हम कहाँ पे रखें ठीक है चलो अब ऐसा किया गया ठीक है यूनिसेलर यू को तो हमने इंक्लूड कर दिया बट व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर प्रोकरस तो कहते हैं उनके लिए एक और अलग कैटेगरी बना देते हैं उनके लिए हम यूनिसेल प्रोकैरियोट्स के लिए चलो एक काम करते हैं मोनीरा बना देते हैं क्या बना देते हैं मोनीरा तो प्लांटी थी पहले से इनको नहीं हम यहाँ पे प्लांटी एनिमेलिया की बातें ही करेंगे हम टिपिकल नहीं बनाएंगे हमारी स्टडीज को तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लांटी और यहाँ हम लिख रहे हैं एनीमेलिया ये बड़े पुराने नाम थे पहले यूज करते थे मेटाफाइट और मेटाजोवा बट हम किसकी बात करेंगे हम प्लांटी और एनीमेलिया की बात करेंगे राइट चलो तो प्लांटी बन गया एनिमलिया पहले से था प्रोटिस्टा थ्री किंगडम के थ्रू ऐड कर दिया और अब हम ले आए एक और फोर्थ कैटेगरी दैट इज मोनिरा मोनीरा के अंदर हमने सारे यूनिसलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया हमने किसको इंक्लूड किया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को तो यहाँ पर भी हमारा जो काम था वो एक तरह से कुछ हद तक आसान हो गया कि ठीक है यूनिसलुलर ऑर्गेनिज्म को भी जगह मिल गई Eukaryotes को मिल गई थी यूनिसेल और करियोट्स को तो यूनिसेल और क्रियोट्स को मिल गई बट फंजाई हमारी अभी भी रह गई ठीक है तो यहां पे फिर वही क्वेश्चन अराइज होते हैं कहाँ गए कहाँ गए वो फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स फंजाई क्या है मल्टी सेलुलर यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन मल्टी सेलर ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखो बिसाइड्स क्लो मॉर्फोलॉजिकल सिर्फ हम बाहर के कैरेक्टर्स की बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था एनसीआरटी लाइन से बेटा ये अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कहते सेल स्ट्रक्चर की बात करो कि प्रो है या यू है नेचर ऑफ वॉल सेल वॉल की बात करो किस तरह की सेल वॉल है क्या यह सेलुलोज़ की बनी हुई है क्या यह पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है या काइटिन की बनी हुई है ठीक है यह सब क्राइटेरिया लो और बोला गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी तो कंसिडर करो ऑटोट्रोफिक है है या कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हैबिटेट को को देखेंगे ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड करो और साथ ही साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखना बहुत जरूरी है तब जाके ये हमारी बनेगी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ये जो एक थोड़े से अटेम्प्ट थे क्लासिफिकेशन करने के दीज वर नॉट सफिशिएंट राइट तो देखो अब उसके बाद देखो क्या आते हैं इसके बाद देखो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या किया अब उन्होंने कमियां कमियां पढ़े एनसीईआरटी का लाइन हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं इनको क्या इंक्लूड किया बैक्टीरिया को एक साथ ले लिया ब्लू ग्रीन एल्गी को भी देखो साथ में ले लिया ब्लू ग्रीन एल्गी हमें पता है क्या है फोटोसिंथेटिक क्या है फोटोसिंथेटिक ठीक है ओके फंजाइ को भी फ्स को भी को भी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स तो देखो प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर क्या क्या आ गए सब कुछ आ गया था स्टार्टिंग ध्यान से सुनेंगे लाइन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या इंक्लूड किया गया बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई क्या इंक्लूड किया फंजाई फंजाई के बाद मॉसिस ठीक है मॉसिस के बाद फंस आपके जिम्नो एनजीओ सब सब कुछ ले लो इसमें जिमनो एंड एनजीओ ठीक है ये सब के सब इंक्लूड हो गए हमें पता है कि ये ये क्या है दीज आर यूनिसेलुलर ठीक है प्रोकैरियोट्स हैं, दीज आर प्रोकैरियोट्स, दीज आर प्रोकैरियोट्स, फंजाई क्या है मल्टी सेलुलर फंजाई मल्टी सेलुलर यूकेर ठीक है बेटा बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बट हमें ध्यान में रखनी है ये मोसिस हैं दीज आर प्रिमेटिव प्लांट जिम्नोर एजियो में पता है अभी सारे के सारे यूकेरियोट्स में तो अब क्या हुआ द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इन सबको किस बेसिस पे किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल सेल वॉल वॉल के बेसिस में प्लांट में रख दिया गया जिसको हमने अभी अभी देखा कि बहुत सारे चाहे प्लांट के पास सेल वॉल है बट जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स है कुछ यूकैरियोटिक सेल्स है कुछ यूनिसेलुलर है कुछ मल्टी सेलुलर है ठीक है चलो तो किंगडम वॉज इंक्लूडेड इन दर से जिसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारे ऑर्गैनिज्म कैरेक्ट्रिस्टिक्स एंड इट ग्रो टूगैदर प्रोकरियोटिक बैक्टीरिया को भी ले आए ब्लू ग्रीन एल्गी को भी ले आए साथ में साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं दैट इज अ बैक्टीरिया ठीक है विद अदर ग्रुप्स विच वर यू करियोटिक इट ऑल्सो ग्रुप्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गैनिज्म को भी एक साथ रख दिया मल्टी सेलुलर को भी एक साथ रख दिया फॉर एग्जाम्पल क्लेमा ठीक है एल्गा, और स्पायरोगेरा एल्गा वर प्लेस टुगेदर अंडर एलगी कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया हेटरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रोफिक एलगी के बीच में ठीक है तो इसका मतलब कोशिश भले ही हो रही थी बट अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया हमारे सामने जिसके जिसको हम बोल चुके हाँ, ये पूरी तरह से परफेक्ट है ठीक है आगे आते हैं चलो इसके बाद आता है हमारा बहुत ही पॉपुलर और सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा आर एच विटैकर्स क्लासिफिकेशन ठीक है रोबर्ट एच विटैकर मतलब आर एच विटैकर बहुत पॉपुलरली हम इनका नाम लेते हैं 1969 क्या किया उन्होंने सब ऑर्गेनिजम्स को देखो अब उन्होंने एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया क्या किया ऑर्गेनिजम्स को सब उनको सबसे पहले किस बेसिस पे डिवाइड किया सेल टाइप के बेसिस पे किस बेसिस पे डिवाइड किया सेल टाइप सेल की के उन्होंने बोले ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया well होती है और यूक्रोड्स के पास देयर इज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोक्रिय के अंदर सबको किस कैटेगरी में रख दिया मोनिरा में कौन सी किंगडम मोनिरा के अंदर सारे के सारे क्या आ गए प्रोकरियोड्स आ गए फिर हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में हमने रख दिया यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं मल्टीसेल्यूलर देखो यहां तो क्वेश्चन ही नहीं है ये तो है यूनिसेल्यूलर मोनिडा क्या है सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हो गए तो प्रोटिस्टा के अंदर आ गए यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स ठीक है मल्टीसेल्यूलर में विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल विद सेल वॉल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले आओ फोटोट्रॉफिक है तो प्लांटी हेट्रोट्रॉफिक है तो फंजाई सेल वॉल इनके पास भी है और अगर विदाउट सेल वॉल है तो उनको बोल दो एनिमेलिया ठीक है तो दिस इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया इसके अकॉर्डिंग सब ऑर्गेनिज्म को अपना अपना प्लेस दिया गया ठीक है तो ये हुआ हमारा एक तरह से बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा फाइव किंगडम चलो एक बार देखते हैं बेटा क्या क्राइटेरिया था क्या क्राइटेरिया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का देखो इसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज़ सेल स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या बॉडी सिंगल सेल की बनी है या ज्यादा सारे सेल की बनी है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है उस तरह से ठीक है सेल का स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है क्या ये ऑटोट्रॉफिक है क्या ये हेट्रोट्रॉफिक है heterotrophic है तो कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है देन हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया दैट इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी जगह मिली इस क्लासिफिकेशन में जो अब तक किसी सिस्टम में नहीं मिली थी ठीक है चलो ध्यान से देखेंगे किंगडम सेल टाइप सेल टाइप की बात करते हैं यहां पे सारी किंगडम की बात करेंगे हम यहाँ पे कैरेक्टर्स जो क्राइटेरिया यूज किए गए मोनिरा के अंदर आ गए सारे के सारे प्रोकैरियोट्स और प्रो इसके बाद प्रोटिस्टर फंजाइ प्लांटी एनिमल या सब के सब क्या है यूकैरियोट्स ठीक है चलो सेल ऑर्गेनाइजेशन देखो यहां है यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है इसके बाद सारे मल्टी सेलुलर है बट फंजाई के अंदर कुछ एक्सेप्शन जैसे कि यीस्ट हमें यूनि भी मिल सकती है एक्सेप्शन एक्सेप्शन को हम कंसिडर कर लेंगे ठीक है पर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं सेल वॉल की बात करो मोनीरा के अंदर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर हैविंग सेल वॉल किसकी बनी होती है पैप्टाइडोग्लाइकन की पैप्टाइडोग्लाइकन दैट इज प्रोटीन और शुगर की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट इन समर्स किसकी बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जिसकी जो बाउंड्रीज है these are not well defined. इसके अंदर आप देखोगे कि, कि किसी के अंदर सेल वोल्ड प्रेजेंट है किसी के अंदर एबसेंट है कुछ पैरासिटिक है कुछ सेप्रोट्रॉफिक है ठीक है चलो फंजाई के अंदर सेल वोल्ड प्रेजेंट होती है किसकी बनी होती है दैट इज ऑफ काइटिन ठीक है प्लांटी आ जाओ प्लांटी में तो सेल वॉल प्रेजेंट है ही है और हमें पता है सेल वॉल बेटा इसकी किसकी होती है सेलोलोजिक सेल वॉल और एनिमेलिया के अंदर दिस सेल वॉल इज कंप्लीटली एबसेंट न्यूट्रिशनल क्लास देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखो मोनीरा बैक्टीरिया है ना फोटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक दे कैन बी कीमो ठीक है प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रॉफिक है और कुछ फोटोट्रॉफिक भी मिलेंगे राइट और फंजाई कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है प्लांट्स फोटोट्रॉफिक और एनिमल्स कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है एब्सॉर्पटिव इसका और इंजेस्टिव मतलब का मतलब कुछ डाइजेस्टिव आउटसाइड बॉडीज़ पहले रिलीज किए जाते हैं फिर उनको बाहर ही डाइजेस्ट होता है फूड उसको किया जाता है ठीक है इंजेस्ट क्या होता है अपने अंदर हम लेते हैं फूड को फिर डाइजेस्ट करते हैं तो फंजाई के अंदर भी कैसा मोड है एब्जॉर्टिव प्लांट्स कैसे लेते हैं बाहर से फूड अपने अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं राइट चलो अच्छा क्या लगता है क्या लगता है कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या वो एब्सोल्युटली परफेक्ट था देखो एक्सेप्टेड आज भी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बट अगर हम बात करें इसके आगे देखो ये स्टेप है धीरे 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 करके एनसीईआरटी भी बोलती है कि एक तरह से क्लासिफिकेशन का काम शुरू हुआ ठीक है धीरे 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 आगे आगे बढ़ता गया साइंटिस्ट आते गए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते गए और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती है बहुत सारे माइंड्स जब एक साथ चलते हैं तो हो सकता है कुछ नई नई चीज़ें निकल के आए ठीक है तो धीरे धीरे हो सकता है ये जो आ, क्लासिफिकेशन है और भी अपग्रेड हो जाए आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो जाए तो ये सिक्स किंगडम क्लासीफिकेशन भी एक इसी आ, कोशिश में बन आ, दिया गया कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉल वूज़ उन्होंने क्या बोला कि फाइव किंगडम नहीं हम बोलेंगे सिक्स किंगडम है यहाँ पे। तो उन्होंने ना एक नया वर्ड और दिया उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया कार्ल बूज ने ठीक है उन्होंने क्या बोला एक नया और उन्होंने टर्म दी ठीक है किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनमिक हायरार्की की बट किंगडम से भी ऊपर है क्या डोमेन डोमेन ठीक है तो उन्होंने क्या किया डोमेन को थ्री उन्होंने बोला तीन डोमेन है कौन-कौन से उनका ये मानना था कि जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया आर् बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब मोनीरा किंगडम को उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया आरकी बैक्टीरिया आर्किया बोलेंगे हम इसको सिंपल डोमेन की बात कर रहे हैं तो आर्किया और तीसरा हम बोलेंगे यूकेरिया यूकेरियोट्स ठीक है ओके <coughs> इन दोनों को क्या बोला मोनिरा है मोनिरा किंगडम को डिवाइड कर दिया कितने में उन्होंने दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया डोमेन्स थ्री मोनीरा किंगडम को दो में डिवाइड कर दिया बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया ठीक है और यो रोटा के अंदर सब आ गए कौन कौन से आपके प्रोटिस्ट्रा प्रोटिस्ट्रा देन फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया और एनिमेलिया तो काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ठीक है तो इन सभी को मिला के कितने किंगडम बन गए कहते हैं कि kingdom. कितनी किंगडम है सिक्स किंगडम तो दिस इज द सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और अगर हम इसको बोल दें थ्री डोमेन थ्री डोमेन ठीक है कितने डोमेन है थ्री डोमेन है Over time, an attempt has been made to evolve a classification system that reflects not only अब ऐसा classification system बना जिसमें ना सिर्फ morphological, मॉर्फोलॉजिकल ना ही फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल लेवल पर और ना ही सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम classify करें बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक तो इस सारे सिस्टम के अंदर हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड किया तो एक तरह तो से अगर हम बात करें तो फाइव किंगडम सिस्टम में भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमने इंक्लूड किया आर एच विटकर जी ने बोला कि मोनीरा से सब निकले मोनीरा से प्रोटिस्टा बने देन प्रोटिस्टा से प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया बने ठीक है तो द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स ठीक है एंड लिविंग द रिमेनिंग यू के रिओटे किंगडम इन दर्ड डोमेन एंड देर बाई कितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बेसिस था क्या क्राइटेरिया था कि जो कार्लूज जी ने फाइव किंगडम की जगह बोला कि सिक्स किंगडम है साइंटिस्ट थे तो कुछ तो फैक्ट्स पर बात करेंगे करेंगे कुछ तो बेसिस होगा हो ही होगा उनका ठीक है चलो एक बार ये देखते हैं कि क्यों थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट वाज़ प्रपोज्ड चलो सबसे पहली चीज बेटा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लो दैट इज द मेन बेसिस हालांकि एनसीआरटी वाली बात नहीं बोल रही है कि हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं थ्री डोमेन सिस्टम के अंदर क्राइटेरिया को डिस्कस नहीं किया गया बिकॉज अभी भी कौन सा सिस्टम पॉपुलर है दैट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं थ्री डोमेन्स की तो हमें समझना चाहिए कि क्यों हमने थ्री डोमेन की बात की क्या बेसिस था कार्ल कार्य जिन्होंने दिया इस क्लासिफिकेशन तो किस बेसिस पे उन्होंने बोला कि देर आर थ्री डोमेन्स ठीक है चलो सबसे पहले देखो सिक्स एस राइबोसोम्स हम ये बोल रहे थे कि बैक्टीरिया के दोनों सेम है मोनीरा के अंदर हमने रख दिया बट जब हम बात करते हैं राइबोसोम 16S राइबोसोम्स की तो वो बैक्टीरिया के अंदर भी डिफरेंट है आर्किया के अंदर भी डिफरेंट है और यूकेर के अंदर तो चलो हम मान लेते हैं कि डिफरेंट ही होंगे ठीक है बट आर्किया में क्यों डिफरेंट हो गए ठीक है आगे आओ सेल वॉल की बात करूं, हम ये बोलते हैं कि मोनीरा किंगडम में सब जितने भी हमने ऑर्गैनिजम्स इंक्लूड किए बैक्टीरिया जैसे उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ठीक है हम पढ़ेंगे आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर की और आर्किया के अंदर इट इज स्यूडो पैप्टाइडोग्लाइकिन दैट इज अ डिफरेंट वन दैट इज़ अ डिफरेंट वन डिफरेंट सेल वॉल होती है ये और यूकेर के अंदर तो वेरिएबल है आगे आ जाओ सेल टाइप देखो ठीक है ये भी से ये भी थे ये भी तो चलो हमने मान लिया अब देखो हिस्टोन प्रोटीन हम ये बोलते हैं जो इतनी बड़ी लेंथ का डीएनए है वो यूकेरस के अंदर दैट इज पैकेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम यहाँ पे हाँ न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे न्यूक्लियोसोम बना के वो पैकेज है ठीक है बट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो मोनीरा किंगडम में बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड ठीक है तो वहाँ पे नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन नहीं है हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो यही हिस्टोन प्रोटीन जो योग में प्रेजेंट है अगर हम ये बोल रहे थे कि आर्की और आपके ये बैक्टीरिया दीज आर सेम तो आर्की के अंदर भी प्रेजेंट होनी चाहिए थी बट दिस इज हिस्टोन के अंदर सॉरी आर्की में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए थी तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन आर्की एंड यू तो भाई ये फिर इसको हमने बैक्टीरिया में क्यों रखा अगर इसके पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पे होती है नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन जो प्रोटीन्स आर्की के अंदर भी होनी चाहिए थी बट देर आर हिस्टोन प्रोटीन तो ये कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है यू से मैच कर रहा है ठीक है ठीके? न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं न्यूक्लियोसोम तो कहीं मतलब ही नहीं है प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है ठीक है बट हैरानी होती है जानकर कि आर्की के अंदर न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है जस्ट लाइक यूक्रियोट्स है ना कितनी बड़ी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाईलेयर है बल्कि इसमें बाई लेर है बट इट इज मोनोलेयर इन मोनो बैक्टीरिया ठीक है तो ये भी डिफरेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डिफाइंड चलो ये तो मान लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्रोड्स है इसमें वेल well डिफाइंड है एक और बात करते हैं बेटा आर एन ए पॉलिम रेस देखो डीएनए से थोड़ा सा बता दूं हम हायर क्लासेज और ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे कि डी एन ए से बनता है आर एन ए आरएनए के बाद फिर क्या बनती हैं प्रोटीन्स बनती हैं ये प्रोसेस हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ठीक है अब देखो आरएनए जो है आरएनए बनने के लिए हमें एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज ठीक है तो तीन टाइप के आर होते हैं हमें पता है टी आर एन एम आर एन आर आर एन ए हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं राइट बट अब तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए यू के पास तीन टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं आर एन वन आर एन ए पॉलिम्रेस टू आर एन ए पॉलिम्रेस थ्री बट प्रोके पास ओनली एक टाइप का ही आर एन ए पॉलिम्रेज होता है जो तीनों टाइप के आर एन ए बनाता है तो ये आर एन ए पॉलिम्रेज आर के पास भी वन टाइप का होना चाहिए बट इट इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप सिमिलर टू यू ठीक है तो ऐसे ही नहीं बोला उन्होंने कि दे आर थ्री डोमेन उन्होंने बोला कार्बूज जी ने किंगडम मोनिरा के अंदर अगर हम सब बैक्टीरिया इंक्लूड कर रहे हैं तो देर आर सम आर की बैक्टीरिया प्रिमिटिव वाले बैक्टीरिया और कुछ है यू बैक्टीरिया दैट इज एडवांस बैक्टीरिया तो आर की बैक्टीरिया दिज आर थी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया मतलब प्रो एंड यू ठीक है तो यहीं से ये थ्री डोमेन का कंसेप्ट दिया गया चलो अब देखो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री की बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू आर एच वि क्या बोला Monira से प्रोटिस्टा इमर्ज हुए प्रोटिस्टा से फंजा इमर्ज होती है और प्लांटी और एनिमेलिया ठीक है दिस इज अकॉर्डिंग टू आर एच विटैकर बट जब हम इसकी बात करते हैं किसके सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज उनके अकॉर्डिंग सब ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं ना प्रोजिनोट एक प्रिमिटिव टाइप का जिनोम था है ना जिनोफो दैट इज प्रोजिनोट प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल मान लो ऐसा तो वहाँ से तीन ब्रांचेज ओरिजिनेट होती है एक बने बैक्टीरिया एक बने आर्की एक बने यूक्रिय ये सब क्या है दीज आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ थ्री डोमेन्स ठीक है तो इस तरह से आज हमारे पास है सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बट फिर भी हम बात किसकी करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है तो आई होप हमें बेसिक क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा राइट तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनीरा ठीक है मोनीरा के अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोक्रिय दैट इज बैक्टीरिया ठीक है तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन से आर बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया चलो अब देखो बैक्टीरिया की बात हो रही है तो एक हम रूल बनाते हैं जब भी हम बायोलॉजिक क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए हर ऑर्गेनिज्म का एड्रेस पता होना चाहिए एड्रेस मतलब रहता कहाँ है तो रहता कहाँ है मतलब हैबिटेट तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिलता है ठीक है चलो बैक्टीरिया की बात करते हैं बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है क्या होगा सोच के बताओ जरा मुझे बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो क्या होगा जल्दी से मुझे आंसर देंगे वेयर कैन बी द हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया ठीक है सोल मेंबर्स किंगडम मोनिरा के क्या है? बैक्टीरिया राइट right? चलो हैबिटेट ये क्वेश्चन ही गलत है किसके लिए बैक्टीरिया के लिए कि बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं हमें ये पूछना चाहिए कि बैक्टीरिया कहाँ नहीं मिलते हैं अगर मैं बात करूँ मेरी फिंगर टिप्स की या मैं बात करूं जिससे मैं ये स्टाइल लिख रही हूं इसकी टिप की बात करूं अगर मैं बात करूं हमारे आसपास की हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है ठीक है कैसे बैक्टीरिया हैं माइक्रोस्कोपिक नजर नहीं आते हैं हमें इवन एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो अगर मैं लिखूं दे आर फाउंड एवरीवेयर दे आर फाउंड ठीक है तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम दीज आर कोस्मोपोलीटोन कोस्मोपोलीटोन मतलब मोनिरा आर फाउंड एवरीवेयर एवरीवेयर हर जगह मिलेंगे आपको राइट चलो इवन दे कैन फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स एक्सट्रीम हैबिटेट क्या क्या हो सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म पानी के स्प्रिंग्स हॉट स्प्रिंग्स ठीक है और कहाँ हो सकते हैं स्नो जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा मतलब बहुत सारी आ, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हम नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं डीप इन द ऑशियंस डीप ऑशियंस के अंदर ये हमें मिल जाते हैं ठीक है और कहाँ मिलेंगे मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे आ, इवन नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल बड़े बड़े माउंटेंस पे चले जाओ हीट वाली जगह पे चले जाओ एसिडिक एनवायरमेंट में चले जाओ और कहीं भी मतलब अगर हम जाते हैं तो हमें वो हर जगह पे मिल जाते हैं ठीक है चलो अगर हम बात करें बैक्टीरिया के टाइप्स की अगर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करने की कोशिश करें सबसे पहले देखो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक कहीं पे लिखते हैं अपने एक तो क्या है ये यूनिसेलुलर क्या होते हैं यूनिसैलुलर दूसरा क्या है ये प्रोकेरिया क्या है ये प्रोकैरियोट्स है ठीक है और क्या होगा इनका दीज आर यूनिसेलऑफ प्रोकेरस तो इनका जैनेटिक मटीरियल जो है दैट इज उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड न्यूक्लियाइड मतलब स्कैटर्ड जेनेटिक मटीरियल स्कैटर्ड जैनेटिक मटीरियल दीज आर माइक्रोस्कोपिक देख नहीं सकते इनको आप दीज आर माइक्रोस्कोपिक ठीक है और अगर हम इनकी शेप की बात करें तो देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप और शेप के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को बहुत सारी कैटेगरीज में ठीक है, जैसे कि कोकाई ये कैसे शेप के होंगे दीज आर ऑफ राउंड शेप स्फेरिकल शेप के राउंड शेप, शेप बोल लो एक होगा एक होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे कोकस सिंगुलर और ज्यादा होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे कोकाई बेसिलाई ये कैसे होंगे बेटा दीज आर रोड शेप्ड दीज आर रोड शेप्ड राइट ये आपको दिख रहा है स्पाइरल ना? स्पायरल शेप के तो इतनी ज्यादा इनकी जो डायवर्सिटी है शेप्स में राइट ओके विब्रियो ये कैसी शेप के दिख रहे हैं आपको? कोमा कोमा शेप्ड. और दे कैन हैव फ्लैजेला ऑन देर बॉडी फ्लैजेला सिंगल भी हो सकता है फ्लैजम ज्यादा भी हो सकते हैं दैट इज फ्लैजेला तो शेप के बेसिस पे आप उनको फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो एंड दे शो मेटाबोलिक डाइवर्सिटी बहुत सारे मतलब इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक दे कैन बी केमो ऑटोट्रॉफिक दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक ठीक है चलो ये तो मोनीरा के बारे में बात अब अगर हम बात करें को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया दैट इज आर बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट इज प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया दीज आर प्रीमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रीमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया ठीक है चलो दे कैन बी फाउंड इन हार्श हैबिटेट हार्श हैबिटेट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें ना कि एक बहुत ही सेलाइन एटमोसफियर में हम सर्वाइव कर जाए या दूसरे लिविंग फॉर्म सर्वाइव कर जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है हार्श हैबिटेट मतलब दे कैन फाउंड इन हाईली सॉल्टी कंडीशन सॉल्टी कंडीशंस में हेलोफाइल्स सॉल्टी कंडीशंस ठीक है दे कैन बी फाउंड इन हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जहां पे एंड एसिडिक एनवायरमेंट एसिडिक एनवायरमेंट ठीक है एंड दे कैन बी फाउंड मिथेनोजन मतलब गट ऑफ रूमिडेंट एनिमल्स दे कैन बी फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स ठीक है और क्या करते हैं ये जैसे काउडंग काउडंग के अंदर फिर ये क्या करते हैं बायोगैसेस की फॉर्म बनती है दैट इज मिथेन अमोनिया और ऐसी कुछ गैसेस इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं मिथेनोजन्स मिथेन जनरेटिंग राइट और क्यों ये हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पैप्टाइडोकलाइकन इनकी जो सेल वॉल है दैट इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स ठीक है तो जिसकी वजह से डिफरेंट होने की वजह से दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन सेल वॉल की जो डिटेल्स है वो हम हमारे नेक्स्ट किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे कि सेल वाले चैप्टर में यहां हम सिर्फ क्या कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम मोनेरा एक तरह से इसकी जनरल इंट्रोडक्शन ठीक है चलो आ यू बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया सही महीने में जो बैक्टीरिया है ना वो है ट्रू बैक्टीरिया दैट ऑफ साइनो बैक्टीरिया विथ फोटो सिंथेटिक प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टाइडो पेप्टाइडो पैप्टाइडोग्लाइकन ठीक है पेप्टाइडो पैप्टाइडोग्लाइकन वर्ड को समझो थोड़ो जरा वर्ड को पेप्टाइडो ग्लाइकेन इनकी जो सेल वॉल इसके मतलब दो पार्ट्स हो गए पेप्टाइड और ग्लाइकेन पेप्टाइड और ग्लाइकेन ठीक है पेप्टाइड के नाम से ही समझ में आ रहा है मतलब प्रोटीन्स होंगी प्रोटीन्स हैं तो अमाइनो एसिड्स की चेन होगी दैट इज बाय पेप्टाइड बोन और ग्लाइकन क्या है शुगर है ठीक है तो शुगर और प्रोटीन की बनी हुई इनकी वॉल है दैट इज पैप्टाइड और इनके अंदर शुगर कौन सी होती है दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजा एन एसिटाइल एनएसिटाइल एसिड ठीक है तो इस तरह से दे हैव अ सेल वॉल बट आर्किया बैक्टीरिया की सेल वॉल इज वेरी डिफरेंट तो अगर हम बात करें ना जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन ठीक है तो दिस दिस इज़ इज़ फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक और ये जान के हैरानी होती है कि ये जो एल्गी है या बैक्टीरिया है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके पास क्या है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द

में भी रह सकते हैं मतलब ग्रुप बना के रह सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एलगी और दे कैन बी फिलामेंटस दे कैन बी फिलामेंटस कहा मिलते हैं दे हैबिटेट की बात कर रहे हैं दे कैन बी फ्रेश वाटर या मरीन या इवन टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकती है इनकी जो कॉलोनीज़ है जो कॉलोनियल फॉर्म्स है कॉलोनी फॉर्म में क्या होता है जिलेटिनस शीट इज देयर जिलेटिनस शीट जो है right? किसमें होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होती है में. देखो ध्यान से ये जो ना ये ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है ठीक है और इसको सराउंड करता हुआ ये कौन सी लेयर है दैट इज म्यूसी और कुछ सेल्स यहां से थिक वर्ड के हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या काम करेगी ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दीज आर कीमोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब कि दे आर यूजिंग द मोड ऑफ जो न्यूट्रीशन है इनका विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स केमिकल्स की हेल्प से ये फिक्स करते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि फूड खुद बना रहे हैं लाइट की हेल्प से जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हायर प्लांट्स की तरह दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफिक हैं अपना खाना बनाते हैं बट किसकी हेल्प से केमिकल्स की हेल्प से दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स और अमोनिया को फिक्स कर देते हैं बहुत सारे इन ऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन मतलब केमिकल्स का यूज़ होता है बेसिकली फूड का पर्पस क्या है बनाने का दे वांट एनर्जी ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कीमोसिंथेटिक का मतलब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के बाद दे रिलीज द एनर्जी एनर्जी फिर वो एनर्जी यूज की जाती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए राइट दैट इज द मीनिंग ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और फिर इनका रोल जो है दैट इज इन द नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन सल्फर इन चीजों के जो ये आपके मिनरल्स हैं इनको न्यूट्रिएंट्स को रीसाइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं जैसे कि हमने बात किया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ठीक है तो दीज आर द कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया जो अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया कौन से ये तो हमने बात की साइनो बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है दीज आर फोटोसिंथेटिक बट अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ ब्लू ग्रीन एल की कम मिलेगी आपको है ना ज्यादातर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा देखने को मिलेगा दैट इज हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे आर द डिकम्पोजर ऑल्सो बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं कर्ड बनाने के लिए लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमें चाहिए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए लेग्यूम रूट्स के अंदर ठीक है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी दे हैव देयर ऑन इंपॉर्टेंस तो ये बात है यू बैक्टीरिया की ठीक है हेट्रोबैक्टीरिया और इसके अलावा वॉट वी आर डिस्कसिंग वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पैथोजेनिक भी होते हैं आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज़ भी कॉज करते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ हमारे इंटस्टाइन में भी रहते हैं राइट कुछ हमारे जो फूड मटीरियल जैसे कि कर्ड हो गया देट इज़ कंसिडर टू बी बेस्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं राइट तो दीज आर पैथोजेंस टू ह्यूमन्स हमारी बहुत सारी क्रॉप्स को भी खराब कर देते हैं जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं और पेट्स के अंदर भी कॉलरा विब्रियो कॉलोरी है ना कॉमा शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी दैट इज हमने डिजीजेस जब हम पढ़ते हैं टेटनस क्रोस्टिडियम टेटेनाई दिस ऑल आर बैक्टीरिया टू तो कॉज द डिजीजेस और सिट्रस कैंकर प्लांट्स के अंदर क्रॉप्स हमारी खराब कर देते हैं और इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय फिशन फिशन में क्या होगा बेटा देखो जैसे ये एक है तो ऐसे डिवाइड करेगा और दैट इज सिंपली डिवाइडिंग इनटू टू फिशन मतलब टू डिवाइड कैसे डिवाइड होते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर जाएगा देन क्या होगा ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर गया न्यूक्लियस है मतलब इनके पास न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है तो हम किसकी बात कर रहे हैं हम डीएनए की बात कर रहे हैं, हैं। मतलब न्यूक्लियोइड इनके पास क्या होगा न्यूक्लियोइड दैट इज अ स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और देन कैरियोकाइनेसिस मतलब साइटोकाइनेसिस फिर उसके बाद क्या होगा द ऑर्गेनिज्म विल बी डिवाइडिंग इनटू टू दिस सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फिशन राइट स्पोर्स भी बनते हैं अंडर under... अनफेवरेबल कंडीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो डी एन ए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर ये कैसा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है तो हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं जैसे मान लो दिस इज वन बैक्टीरियम तो क्या करता है बैक्टीरियम अपना सारा सामान जो है ना अंदर इसको कॉम्पैक्ट कर लेगा और बाहर क्या कर देता है सिस्ट बना सिस्ट के फॉर्म में और क्या बना देते हैं स्पोर्स भी बन सकते हैं बट स्पोर्स कब बनेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन है ना कॉन्जुगेशन में क्या होगा दो बैक्टीरिया पास में आते हैं और आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं क्या करते हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं हालांकि ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल मटीरियल का दैट इज डी ट्रांसफ़र हो रहा है एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बट अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अलावा कुछ हमने ये बोला सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने मोनीरा किंगडम में रखा जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे उनको रखेंगे माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म है दैट कंप्लीटली लैक्स ए सेल वॉल मार्किट करेंगे माइको प्लाज्मा एक अलग तरह के बैक्टीरिया जिनको हमने मोनीरा के अंदर रखा बट इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और ये माना जाता है दैट दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं ठीक है और बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा जो हैं दीज आर पैथोजेनिक डिजीज कॉज करने की पावर रखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ठीक है चलो ये किया हमने मोनीरा के बारे में एज पर आवर एन वी हैव डिस्कस द कंप्लीट किंगडम मोनीरा अब ये जो हमारा मोनीरा किंगडम है ना ये अब जो बैक्टीरिया है अलग अलग चैप्टर्स में आप इनका हो सकता है जैसे न्यूट्रिशन की बात करें जो इनका ऑटोट्रोफिक हो सकता है हम फोटोसेंसिस वाले चैप्टर में या न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं और सेल के अंदर भी हम इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं तो एक तरह से कई जगह पर चैप्टर हमें ये जो टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने को मिलेंगे फिलहाल हमने क्या किया किंग अकॉर्डिंग टू अवर करेंगे कुछ आंसर देंगे जल्दी से मैच करना है आपको ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम वन विद हैबिटेट्स इन कॉलम टू ठीक है देखो कहा मिलते हैं हेलो फाइल्स का मतलब सॉल्टी एरिया के अंदर मिलेंगे यस yes. तो वन के सामने मैच कर दो फोर को वन के सामने क्या आ गया फोर थर्मो एसिडोफाइल्स थर्मो मतलब हाईली टेम्परेचर और एसिडिक एटमोस्फियर तो कहाँ मिलता है ऐसा टेम्परेचर हमें हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है तो ए के सामने फोर है बी के सामने आ गया वन ओके मिथैनोजेंस हमें कहाँ मिलेंगे अभी अभी डिस्कस किया गी के अंदर सी के सामने हम कर देंगे थ्री साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेंगे ये हमें एकमेंट में ठीक है एक्वेटिक एल्गी जो होते हैं हमेशा एक्वेटिक ही होते हैं सेकेंड राइट right? तो मिलाओ इसको ए के सामने फोर बी के सामने वन सी के समूस yes. so, हमारा आंसर क्या हो गया ए आगे आ गया जाओ नेक्स्ट आओ इन दाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लामाइडोमनास एंड क्लोरेला हैज बिन इंक्लूडेड इन कहा आएंगे ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा दैट इज प्रोटिस्टा यस प्रोटिस्टा में हमने इनको रखा हुआ है ठीक है एल्गी में थे पहले प्लांट वाली कैटेगरी में आते थे अब नहीं लेते हम इनको ठीक है चलो आ गया हो. इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी ऐसी सिंगल किंगडम है आउट ऑफ द फॉलोइंग जो इंक्लूड कर सकती है ब्लू ग्रीन एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को को और आर की बैक्टीरिया ये सारी चीजें ब्लू ग्रीन एलकी के बारे में हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा मिथेनोजेनिक आर की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा तो एक ही किंगडम है सफिशियंट दैट इज मोनी सी आंसर होगा इसका ठीक है आ गया हो क्वेश्चन नंबर फोर ओके द प्रिमेटिव प्रोक्रियास रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बायोगैस का प्रोडक्शन है ना मिथेन अमोनिया जैसी जो गैसेस जिनको हम एज अ बायोगैस यूज कर सकते हैं कहाँ से मिलती है वो हमें फ्रॉम द डंग डंग की बात कर रहे हैं जो गोबर के उपले वहां से क्या कर रहे हैं बायोगैस बन रही है तो किसकी वजह से इंक्लूड्स इसके अंदर क्या होते हैं मिथेनोजन मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया राइट ओके कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच आर द फॉलोविंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर ओशन में जब बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं ना तो जो प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है नॉर्मली वहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है बट जो बैक्टीरिया है हमने बोला कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो नहीं रह सकते तो ड्यू टू अ डिफरेंट सेल वॉल जो बैक्टीरिया है दे कैन सरवाइव इन डीप सी वॉटर और वो कौन से बैक्टीरिया थे देवर आर की बैक्टीरिया तो आंसर हो गया हमारा सी ओके दिस हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हमने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में बेसिक क्लासिफिकेशन को समझा और हमने किंगडम मोनीरा को डिस्कस किया अबाउट देयर जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू आपको क्या करना है अब आपको करनी है सॉल्व डी और इतना ही कहूँगी दैट ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल